आज इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारी एक साथ देने वाला हूं। सबसे पहली जानकारी है कि आप किसी भी फ्यूल इंजेक्शन बाइक की रियल माइलेज को कैसे चेक करें, क्योंकि जो बाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होती है उनके अंदर पेट्रोल टी यहां पर लगी नहीं होती है, इसलिए आप पेट्रोल को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, आप रिजर्व और ऑन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए फ्यूल इंजेक्शन बाइक में माइलेज चेक करना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक की रियल माइलेज को कैसे चेक करें। और दूसरी जानकारी है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि FZFI वर्जन 2 की रियल माइलेज क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं ये फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है और ये वर्जन 2 है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिससे वीडियो देख के आपको ये ना लगे मैंने आपका टाइम बर्बाद किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक के अंदर सबसे पहले हमने 5 लीटर 300 ml पेट्रोल डिब्बे में लेकर डलवाया था, और उसके बाद 150 किलोमीटर चल जाने के बाद इस बाइक में पेट्रोल पंप पे जाके 1 लीटर 400 ml पेट्रोल डलवाया था, जिससे इस बाइक के अंदर 6 लीटर 700 ml इसके अंदर पेट्रोल हो गया था। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमने इस बाइक के अंदर पेट्रोल निकाल के डाला था वो रात का समय था, इसलिए हम इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं रख पाए, मतलब मैंने उस समय रिकॉर्डिंग नहीं की। इसलिए मैं आपको पहले ही चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इसलिए आप वीडियो देखने के बाद ये कहें कि मैंने गलत बता दिया। तो अगर आपको विश्वास हो, अगर आपने इस चैनल पर वीडियो देखी हो और अगर आपको विश्वास हो कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँगा, तभी आप इस वीडियो को देखें। और 6 लीटर 700 ml पेट्रोल में ये बाइक चली है 231 किलोमीटर और 800 मीटर ये बाइक चली हुई है। तो जब हमने इसके अंदर इतना पेट्रोल डाला था, तो अब हम आपको इसमें पेट्रोल निकाल के आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कितना पेट्रोल बचा है, 231.8 किलोमीटर चलने में इसके अंदर कितना पेट्रोल बचा हुआ है, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप इसकी रियल माइलेज को कैसे चेक करते हैं। तो अब हम इसके अंदर से पेट्रोल निकाल के दिखाते हैं। और बहुत से लोग कई तरीके से माइलेज चेक करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो सिस्टम है वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल के और पेट्रोल ख़त्म होने का इंतज़ार न करें, नहीं तो आपका फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है। और इसके अंदर निकालने के लिए आपको एक पाइप खरीदनी पड़ेगी, ये आप देख लें, ऐसी पाइप आपको खरीदनी पड़ेगी, और आपको साइड स्टैंड पे ये बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। जबकि फ्यूल इंजेक्शन बाइक में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइड स्टैंड पे खड़ी करें, क्योंकि इनकी पेट्रोल टैंक की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिससे कि पेट्रोल निकल आए, समतल होती हैं। और आप देख लें इसके अंदर पेट्रोल अभी निकाल देंगे ये राहुल भाई, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें इसके अंदर से पेट्रोल निकलने लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें इसके अंदर से पेट्रोल निकलने लगा है। और पेट्रोल निकालने के लिए आप एक पाइप ले लें, एक डिब्बा ले लें, और बाइक को साइड स्टैंड पे खड़ी कर दें। साइड स्टैंड का मतलब ये है कि जिससे सारा पेट्रोल इधर को आ जाए। वैसे फ्यूल इंजेक्शन बाइक के पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि अगर आप डबल स्टैंड पे करेंगे और पीछे डालेंगे पाइप को, तो सारा पेट्रोल निकल जाएगा, लेकिन साइड स्टैंड पे करने से आपका सारा पेट्रोल निकल जाएगा, जिससे कुछ बचा नहीं रहेगा। और हमने इसके अंदर जब पहले साइड स्टैंड पे खड़ी करके सारा पेट्रोल निकाला था, उसी हिसाब से इसके अंदर बाद भी निकाल रहे हैं। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। और आप फ्यूल इंजेक्शन बाइक में बिल्कुल ये कोशिश न करें कि उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालें, जब पेट्रोल खत्म हो जाए तब उसके अंदर आप पेट्रोल डालें। ऐसा करने से आपका फ्यूल पंप खराब हो सकता है और आपको लगभग 13,000 रुपये या 15,000 रुपये का झटका लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों की कोशिश न करें। और दूसरा तरीका भी आपने सुना होगा कि इसमें जो पेट्रोल टैंक में पाइप लगी होती है इसके फ्यूल पंप में, उसको निकाल के आप निकालेंगे, तो अगर आपसे कहीं पाइप टूट गई या उसका नोजल भी कहीं टूट गया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए इस तरीके को अपनाएं, अगर आपको पसंद आए तो, अगर आपको ना पसंद आए तो आप इस तरीके को ना अपनाएं। देख लें कुछ इस तरीके से इसके अंदर पेट्रोल निकल रहा है, आप देख लें पेट्रोल आना बंद हो गया है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ऑन करके, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर और अब इसमें दोबारा ये निकालेंगे, मतलब कि आप देख लें यहाँ पर इतना पेट्रोल निकला हुआ है, लेकिन फिर से दोबारा से पाइप लगाई जाएगी जिससे इसका सारा पेट्रोल निकल जाए। अब हम लोगों का ही ये काम है, हम लोग अक्सर ये चीज़ करते रहते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग चेक करते रहते हैं, इसलिए आदत हो चुकी है, अनुभव हो चुका है कि कैसे निकालना है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी अनुभव ना हो तो आप किसी मैकेनिक की मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दें, और या फिर आप खुद भी अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि अभी पेट्रोल निकल रहा है, आप देख लें, ये देख लें फिर इसके अंदर पेट्रोल आना बंद हो गया है।
अब आप देख लें इसका सारा पेट्रोल निकल गया है इस बाइक का और ढक्कन अभी इसके अंदर हमने नहीं लगाया है। अब हम आपको नाप के और चेक करा देते हैं कि इसके अंदर कितना पेट्रोल निकला है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि इस डिब्बे में मैं आपको डाल के चेक करवाऊँगा। जिस हिसाब से हमने डालते वक्त इसके अंदर चेक किया था वही सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि पहले मैंने लीटर वाले से नाप के डाला था और उसके बाद में ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैंने उस समय कैमरा ऑन नहीं किया था, रात का समय था, ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए अगर आपको विश्वास है तब आप इन चीज़ों को ज़रूर माने, अन्यथा आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों से झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर यामाहा एफजेड की बहुत बड़ी बहुत बढ़िया माइलेज निकल जाती है और बाइकें बहुत ज़्यादा बिक जाएंगी तो मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको रियल माइलेज चेक करवा के बता रहा हूँ। और सबसे पहले रुक जाओ, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, 900 ml हम इसके अंदर डाल रहे हैं। उसे मैंने एक बार हमने इसके अंदर डाल दिया और भाई आवाज़ें आती रहती हैं क्योंकि ये मेन रोड के आसपास ही रहता है तो फिर आवाज़ें आती रहती हैं। इसके लिए आप लोग क्षमा करें क्योंकि इसके अलावा कोई व्यवस्था है नहीं, कहीं कहीं दूर ले जाके हम इस बाइक की वीडियो बनाएं, फिर वहाँ पाइप ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वैसे जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ बाहर ही बनाता हूँ। आप देख लें यहाँ पर 900 ml इसके अंदर फिर से पड़ रहा है। अट्ठारह सौ ml इस बाइक के अंदर पेट्रोल पड़ चुका है। और अब आप देख लें इसके अंदर 250 ml पेट्रोल निकला हुआ है। अब जब इसके अंदर 250 ml पेट्रोल निकला उसको भी हम डाल दे रहे हैं और फिर हम आपको बता दें कि इसके अंदर 2 L 50 ml इसके अंदर पेट्रोल निकला हुआ है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूं कि इस बाइक के अंदर 2 L 50 ml पेट्रोल इसके अंदर निकला हुआ है। अब 6 L 700 ml इसके अंदर हमने पेट्रोल डलवाया था और 2 L 50 ml इसके अंदर पेट्रोल निकला हुआ है। अब आप लोग माइलेज जोड़ें, मैं आपको जोड़ के और बता दे रहा हूँ कि आपको कितने की माइलेज देगी ये बाइक। तो ये बाइक 4 L 650 ml में 231 किलोमीटर और 800 मीटर चली हुई है तो मेरे हिसाब से लगभग इसकी माइलेज 49 से 50 किलोमीटर है, मतलब 49 से 50 किलोमीटर इसकी माइलेज है। और इस बाइक को चलाने में हमने लगभग 80 की स्पीड चलाई है, 60 की स्पीड चलाई है और 40 की स्पीड भी चलाई है, मतलब जिस हिसाब से बाइक को चलाना चाहिए, रोज़ आप जिस प्रकार से बाइक चलाते हैं उस हिसाब से चलाई है। और इसके पहले हमने एक बार माइलेज इसकी चेक की थी तो इसकी 45 की माइलेज आई थी, 50 की भी एक बार आई थी और एक बार 47 की माइलेज आई थी। तो कुल मिला के मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि एफजेड वर्जन 2 की रियल माइलेज अगर आप जानना चाहेंगे तो 45 से 50 तक की बाइक ये माइलेज आपको दे सकती है। और ये चीज़ आपके चलाने के ऊपर है और पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर है, लेकिन इसमें 50 तक की माइलेज ये बाइक दे सकती है आराम से। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर चौड़े टायर लगाए गए हैं तो ऐसा लगता है कि बाइक बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, लेकिन नापने पर ऐसा लगा मुझे और मुझे जो निष्कर्ष निकला वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सही चलाएंगे तो आपको 45 से 50 तक की माइलेज मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप किसी भी फ्यूल इंजेक्शन बाइक की रियल माइलेज को कैसे चेक कर सकते हैं और जो तरीका मैंने आपको बताया यही तरीका आप अपनाएं। मेरे हिसाब से अगर आपको यह तरीका सही लगता है तभी आप इसको अपनाएं जिससे आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो आप 1 L पेट्रोल डाल के और उस बाइक में सारा पेट्रोल ख़त्म करेंगे जिससे आपका फ्यूल पंप ख़राब हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पसंद हो तो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।